दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए ऑड इवन फॉर्मूला एक बार फिर से लागू किया है। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये फॉर्मूला दिल्ली में लागू रहेगा। पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया था, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसके क्या नतीजे निकलेंगे। हालांकि ये दावे जरूर किए गए हैं कि इससे प्रदूषण कम होगा, लेकिन कितना हद तक इस ऑड इवन फॉर्मूले का फायदा होगा और अब तक दुनिया भर में कहाँ कहाँ इसे अपनाया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्रदूषण से परेशान दिल्ली के नागरिकों को अब एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूला आजमाने का मौका मिल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की जनता की राय बटी हुई है। दिल्ली की आबादी 1,70,00,000 है, वाहनों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। इसके अलावा अन्य राज्यों से हर दिन लाखों गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करती हैं। बीजिंग और दिल्ली दुनिया के 2 सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं। दिल्ली की तुलना बीजिंग से ही करना बेहतर है, क्योंकि आबादी, गाड़ियों की संख्या और साइज के हिसाब से दिल्ली बीजिंग के बराबर है। बीजिंग में ऑड इवन फॉर्मूला पहली बार 2008 के ओलंपिक खेलों के दौरान लागू किया गया था। इसके अलावा 2 और समय पर इसे लागू किया गया। नई गाड़ियों की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई गई। प्रदूषण काफी कम हुआ। पेरिस में 2014 और मौजूदा वर्ष में इस योजना को लागू किया गया और अधिकारी कहते हैं कि दोनों बार प्रदूषण का लेवल काफी नीचे आया। योजना के उल्लंघन करने वालों को 22 यूरो का जुर्माना भी लगाया गया और इसके अलावा अधिकारियों ने वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी थी। पेरिस में सबसे पहले ऑड इवन फॉर्मूला 1997 में लागू किया गया था। ऑड इवन फॉर्मूला मेक्सिको की राजधानी में सबसे पहले 1984 में लागू किया गया, जो 1993 तक चला। इसका पालन न करने वालों को 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। योजना के लागू करने के तुरंत बाद प्रदूषण में 11% की कमी आई, लेकिन लोगों ने ऑड और इवन दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर की कारें खरीदना शुरू कर दी, जिससे सड़कों पर कारों की संख्या और भी बढ़ गई। प्रदूषण के स्तर में 13% की बढ़ोतरी हो गई। हालात इतने बुरे हो गए कि संयुक्त राष्ट्र ने मेक्सिको सिटी को 1992 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया। अधिकारियों का ये फॉर्मूला रद्द करना पड़ा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटो में व्यस्तम समय में शहर के अंदर कारों के प्रवेश पर हफ्ते में 2 दिन पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। मेक्सिको में ऑड इवन दोनों कारों को खरीदने से इस योजना की विफलता को देखते हुए बोगाटा के अधिकारियों ने ऑड और इवन के तयशुदा दिनों को बारी बारी से बदलना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये योजना नाकाम हो गई। 2003 में पहली बार सेंट्रल लंदन में वाहनों के प्रवेश पर 5 पाउंड भीड़ शुल्क लागू किया गया, जो अब तक जारी है। इन दिनों भीड़ शुल्क 10 पाउंड है। अधिकारियों ने बाद में शहर में कम उत्सर्जन क्षेत्रों की पहचान की, जहां केवल सबसे अच्छा उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के आने की अनुमति दी गई। ये योजना स्टॉकहोम में भी लागू है। अधिकारी कहते हैं कि लंदन में प्रदूषण का स्तर काफी नीचे आया है। तो ये देखिए आपने ऑड इवन को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट। कहीं इस फॉर्मूले का फायदा हुआ तो कहीं नुकसान। दिल्ली में पिछली बार कितना फायदा हुआ इसका पता नहीं चला। एक बार फिर केजरीवाल ने इसे लागू किया है, ऐसे में देखना अहम होगा कि इससे प्रदूषण पर कितना लगाम लग सकता है और कितना क्या फायदे इसके निखर के सामने आने वाले हैं। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से खबरदार रहने के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।